इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो होता है इंफ्रारेड रेंज में होता है। पहले मैं आपको इंफ्रारेड जो इंफ्रारेड रेंज बता देता हूं, ये यूवी है अल्ट्रावायलेट लाइट, यहां माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड यहां पर आ रहा है, इसमें भी अलग अलग रेंज बना दिए गए। जो रेड लाइट होती ना उसके करीब जो है उसको हम कहते हैं एनआईआर, फिर आता है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, फिर एमडब्ल्यूआईआर मीडियम वेव इंफ्रारेड, फिर लो इस तरीके से इंफ्रारेड। तो ये अलग अलग रेंज इसके बना दिए गए हैं। तो आईआर लाइट जो होती है, जो ये कहें इंफ्रारेड लाइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से ऊपर जो नॉमिनल एज होती है ना रेड से निकाला जाता है, यहां से रेड लाइट से विजिबल लाइट जो आपको लाल दिखती है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है, जैसे कंप्यूटर के आसपास की चीजें या फिर रिमोट कंट्रोल, इनके लिए यूज होता है। तो अनगाइडेड इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज मतलब बहुत एक कमरे के अंदर मान लीजिए उतना कम्युनिकेशन कर पाती है। आपके घर में जो रिमोट है ना जिससे आप टीवी चलाते हैं, एक जो रिमोट है जिससे आप अपना एसी चलाते हैं, वो सब आईआर का यूज करते हैं। अगर आप इसके सामने हाथ रख देंगे ना तो ये टीवी चलेगा ही नहीं, या कोई सामने आके खड़ा हो गया तो टीवी चलेगा ही नहीं। तो रिमोट जो कंट्रोल करता है, आपके प्लेयर्स अलग अलग हैं उनको कंट्रोल करता है, ये सारे आईआर कम्युनिकेशन से ही हो रहा है। डायरेक्शनल है, चीप है, सस्ते हैं, आराम से बनाए जा सकते हैं। डायरेक्शनल मतलब सीधा डायरेक्शन आपको मिलना चाहिए, आपने इधर टेढ़ा कर दिया तो ये टीवी रिसेप्ट ही नहीं करेगा, रिसेप्शन ही नहीं होगा उसका। लेकिन प्रॉब्लम इसकी क्या है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा, आप अपने भाई को यहां खड़ा कर दीजिए, ये रिसेप्शन होगा ही नहीं, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर खड़ा हो गया तो ये उधर जा ही नहीं सकता। इंफ्रारेड का आप यहां बैठे, एक आपके भाई यहां बैठे हुए, यहां पर वो जो टीवी चला रहे होंगे, या मान लीजिए यहां से वो चला रहे एसी, तो आपके रेडियो वेव और इनके रेडियो वेव में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो बगल बगल के रूम में ही क्यों ना हो। तो इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, रेडियो सिस्टम से तो ज्यादा सिक्योरिटी होती है। जब बगल के रूम में ही कोई इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहा है तो कैसे होगा। इसीलिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस या फिर कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट के लाइसेंस ही नहीं चाहिए आपको, इसलिए फ्री है। इंफ्रारेड जो कम्युनिकेशन है ये केवल एक बहुत छोटे एरिया में होता है, इसलिए कम्युनिकेशन दूर संचार के माध्यम में बहुत बड़ा प्लेयर ये नहीं है। लेकिन फिर भी देखिएगा, ये जो IRDA है, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर पेरिफेरल को जोड़ने के लिए कुछ चीजें बनी है, जैसे जिसको आप कंप्यूटर में लगा दीजिए, USB है, यहां से यह IR पैदा कर देगा। तो एक तरीके से USB से IR का कन्वर्जन वाला ये एक स्टैंडर्ड है,